इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिणी छोर पे एक मशहूर चट्टान है। माना जाता है कि यही स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चट्टान का भूगर्भीय महत्व भी है और इसके विश्व की बदलती घटनाओं को मार्कर यानी चिन्ह माना जाता है। आज हम विश्व का जो नक्शा देखते हैं वो लाखों साल पहले ऐसा नहीं था। उस नक्शे में भारत भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे था। इस बारे में अधिक जानने के लिए हमने उदयपुर की MLS यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड भूवैज्ञानिक प्रोफेसर पुष्पेंद्र रणावत से बात की। अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन, इट इज 4500 मिलियन और यू कैन से 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। उस समय वह एक गैशियस फॉर्म में था, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, रॉक्स बनी और करीबन 300 मिलियन ईयर्स या 33 करोड़ साल पहले पहली धरती या सॉलिड लैंड फॉर्म समुद्र के ऊपर बनी। जैसे पृथ्वी ठंडी हुई वैसे उसमें जो पानी था वो सारा समुद्र बन गया। तो जमीन उस पे उस समय धरती नहीं थी, केवल एटमॉस्फेयर और पानी ही था। उस पानी में फिर धरती निकली और उस धरती में करीबन 200 मिलियन ईयर्स, आप कह दीजिए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, एक बड़ा कॉन्टिनेंट बनना, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको पेंजिया कहते हैं, और वह टूट के उसके दो भाग हुए, एक गोंडवाना लैंड जिसमें भारत था और ऊपर वाला जो था यूरेशियन पार्ट जिसमें यूरोप आदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के थे, और उसमें धीरे धीरे वो और टूटा और आगे चल के भारत जो आज हम देखते हैं वो इक्वेटर के बहुत नीचे था। धीरे धीरे ये ऊपर आता गया, बहुत धीरे धीरे, करीबन 7 करोड़ साल पहले ये जर्नी चालू हुई और 6 करोड़ साल तक ये आगे बढ़ता रहा, और आज के जो स्थिति है भारत की वो करीबन 1 करोड़ साल पहले स्थापित हो गई थी। जैसे जैसे ये ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ा बहुत धीरे धीरे, तो ये टेथिस सीज स्क्वीज होता गया, छोटा होता गया और हिमालयस बन गए, रॉक्स फोल्डेड हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स थी ज्यादातर, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते होते ऊंचा हिमालय बन गया और आज की तारीख में भी बहुत लिटल फ्यू सेंटीमीटर्स आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। पृथ्वी और उसके भूभाग का निर्माण एक लंबी यात्रा का नतीजा है। इस यात्रा के चिन्ह पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में नंदी हिल्स को लें। ये पहाड़ियां धारवाड़ क्रेटन का हिस्सा है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह की पपड़ी या छाल है। ये लगभग 3.2 बिलियन साल पुराना है। इसके बाद एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अस्तित्व में आया और आखिरकार लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंजिया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम के दो महाद्वीपों में बंट गया। गोंडवाना लैंड में मौजूदा समय के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हुआ करते थे। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही है जिसे भूवैज्ञानिक गोंडवाना जंक्शन कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ ये सभी देश एक साथ जुड़े हुए थे। जब पानी के ऊपर जमीन आई उस टाइम के जो स्टेबल रॉक्स बनी थी वो सारी इग्नियस एंड मेटामॉर्फोस रॉक्स हैं, वो क्रेटॉन्स हैं, तो कुछ तो क्रेटॉन्स हैं
कुछ इसके अंदर ही बेसिन्स बने थे जिनको हम मोबाइल बेल्ट्स बोलते हैं, वहां सेडिमेंटेशन हो रहा था, जैसा कि विंध्यंस हुए, गोंडवानाज हुए, ये भी आपस में स्क्वीज होते गए और या तो फोल्डिंग हुआ, जैसे अरावलीज है, अरावली फोल्ड बेल्ट बना, ऐसा ही विंध्यंस अपलिफ्ट हुए, गोंडवानाज अपलिफ्ट हुए, तो ऐसे मोबाइल बेल्ट्स और सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स थे। और तीसरे मेन यूनिट से वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत हुई, जैसा कि महाराष्ट्र के आसपास आप देखते हैं डेकन ट्रैप्स, ये क्या अलग अलग जो रॉक्स बनी उनके साथ नेचुरल वेदरिंग प्रोसेसेस से भी काफी, इसको नेचुरल आर्किटेक्चर बोलते हैं, कि नेचर एक्टेड ऑन दीज रॉक्स और काफी चीजें बनी, उसमें अंडरग्राउंड सॉल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन रॉक्स सैंडस्टोन हुए पानी से और केव्स बन गई क्योंकि वहां की सिचुएशन ऐसी थी। अजंता एलोरा केव्स आपने देखी होंगी, वो बेसाल्ट जो अभी मैंने बोला वो सिलिसिक वॉल्केनिक एक्टिविटी थी, उस रॉक में काट के और मंदिर बनाए गए, केव्स बनाए गए। ऐसे जहाँ जहाँ लाइमस्टोन है, बादामी में है जैसे साउथ में, तो वहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका के इधर, तो या छोटे छोटे लाइमस्टोन सैंडस्टोन के अंदर केव्स मानव निर्मित भी है और नेचुरल भी है। दक्कन का पठार पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखीय विशेषताओं में से एक है, जो 68 और 65 मिलियन साल के बीच बना था। दरअसल मौजूदा समय में जिस बड़ी मात्रा में जो लावा निकलता है, यही डायनासोरों के समाप्त होने का एक कारण माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दक्कन के पठार में मौजूद लोनार झील एक और अजूबा है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित ये गड्ढा 35,000 से 50,000 साल पहले उल्कापिंड या मीटियोर के पृथ्वी से टकराने से बना था। ये गड्ढा 500 फुट गहरा है, जिसका औसत व्यास 6,000 फुट है। भारत में एक और महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक मार्कर देश के सबसे छोटे राज्यों में से एक मेघालय में देखा जा सकता है। यहाँ चून पत्थर और बलुआ पत्थर से मिलकर बनी लगभग 1700 गुफाएं हैं। ये गुफाएं भारतीय भूभाग के यूरेशिया की ओर सरकने की वजह से बनी थी। खासी पहाड़ियों की क्रेम मावमलु गुफाओं में वैज्ञानिकों को छत के टपकने से फर्श पर बना चूने का एक स्तंभ मिला था। इससे उन्हें एक भीषण सूखे के बारे में जानने में मदद मिली। माना जाता है कि इसी सूखे की वजह से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। ये हैरान करने वाली बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इंसानों के बसने से बहुत पहले ही इसका अच्छा खासा इतिहास हुआ करता था।